लेडीज़ एंड जेंटमैन आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के मज़ीद 200 सौ वर्ब्स के मीनिंग को समझेंगे हिंदी और उर्दू में तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। मुतासिर करना इंग्लिश में कहते हैं मुतासर करने को कोमप्रेस शापना इम्प्रिंट क़ैद में डालना इम्प्रेजन बेहतर करना इम्प्रूव इफ्त करना इनैगोरेट काट कर फिक्स करना इन साइज़ शामिल करना इंक्लूड बढ़ाना इंक्रीज इंदराज करना इंडेंट इशारा करना इंडिकेट किसी को कुछ करने पर राज़ी करना इंड्यूस लज्जत वाले काम में शामिल होना इज करना करनाट कीड़ों के एक जगह पर होना इकट्ठे होना इन्फेस्ट कहीं पे बहुत ज्यादा कोई कीड़े मकोड़े जमा हो जाए तो हम उसको इन्फेस्टेशन कहते हैं गुस्सा उभारना, इनफ्लेम फूलना फुलाना इनफ्लेट इतला देना आगा करना बताना इनफॉर्म, इनहराफ करना किसी चीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी करना इनफ्रेंच भरना, भरना किसी चीज़ को भरना जिस तरह खास तौर पर मेडिकल प्रोफेशन में जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में भरते हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्यूज़ निगलना इंजेस्ट, रहना इनहेबिट सांस से अंदर लेना सांस लेना अंदर की, की तरफ खींचना इन्हेल और बाहर की तरफ सांस को निकालने को एक्सहेल कहते हैं वरासत में मिलना इनहेरिट शुरू करना इनिशिएट दाखिल करना इंजेक्ट यानी कि जिस इंजेक्शन से आपके बॉडी में दवाई को दाखिल किया जाता है जख्मी होना चोट लगना इंजर अंदर रखना या जुड़ना इनले जिस तरह शूज के अंदर आप इनलेस रखते हैं एचाद करना इनोवेट दाखिल करना इनपुट पूछ गछ करना इंक्वायरी करना इंक्वायर कुछ पूछना इसी से इंक्वायरी निकली है बयान करना इंस्क्राइब या कुछ लिखना ख़ास तौर पे किसी पत्थर वग़ैरह पे जो चीज़ लिखी जाती है उसे इंस्क्राइब करना कहते हैं डालना इंसर्ट मायना करना जिस डॉक्टर मायना करता है चेक करता है आपको उसको कहते हैं इंस्पेक्ट और इसी से निकला है इंस्पेक्टर हौसला अफजाई करना इंस्पायर कि तो आप मुझे इंस्पायर करते हो लगाना इंस्टॉल बेजती करना इंसल्ट जो बीमा होता है उसको कहा जाता है इंश्योर इंश्योर करना शामिल करने को कहते हैं इंटीग्रेट करना इंटीग्रेशन इसी से निकला है मुतारफ़ करना इंट्रोड्यूस जिस आप किसी को अपना तारुफ देते हैं जाद करना इन्वेंट मधु करना जिसमें पार्टी के लिए मधु करना इनवाइट, शामिल होना ज्वाइन जिसमें प्लीज ज्वाइन आवर टीम के हमारी टीम में शामिल हों छलांग लगाना जंप, जवाब देना किसी चीज़ के लिए कि मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि ये हुआ था उसको कहते हैं जस्टिफाई जस्टिफाई करना उसी से निकला है जस्टिफिकेशन रखना कीप लात मारने को कहा जाता है केक मजाक करना किड वैसे तो बच्चे को कहते हैं किड्स uh, या किड लेकिन मजाक करने को भी कहते हैं जिसे मैं कहता हूँ आई एम जस्ट किडिंग मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ मार डालने को कहते हैं किल किस द मदर इज किसिंग हर चाइल्ड माँ बच्चे को चूम रही है झुकना नील बुनने को कहा जाता है निट जिसा स्वेटर बुना जाता है द ग्रैंड मदर इज निटिंग स्वेटर हर ग्रैंड चाइल्ड के दादी अम्मा अपने पोते के लिए या पोती के लिए स्वेटर बुन रही हैं। दस्तक देने को कहा जाता है नॉक जानना नो लाडना लेड जमीन पर उतरना लैंड जिसा जहाज जमीन पर उतर रहा है द प्लेन इज लैंडिंग आखिरी लास्ट या फिर एक ख़ास वक्त तक जारी रहने को भी लास्ट कहते हैं द फिल्म विल लास्ट टिल फाइव ओ क्लॉक के पाँच बजे तक फिल्म लगी रहेगी जारी रहेगी चलती रहेगी कुंडी लगाना लैच दरवाजे को कुंडी लगा दो लैच वो जो पुराने ज़माने में नहीं बड़ी सी चेन वाली कुंडी होती थी उसको कहते हैं लैच चेन के साथ जो हम लगाते हैं हंसने को लाफ तुम हंस क्यों रहे हो वाई आर यू लाफिंग ही इज लाफिंग वो हंस रहा है लेटने को ले रनुमाई करना लीड करना चोना जिसका पानी चो रहा है तो उसको कहते हैं लीक होना द ऑयल इज लीकिंग चो तेल चो रहा है द ऑयल इज लीकिंग इन माई कार मेरी गाड़ी में तेल चो रहा है जो दुबला पतला हो उसको भी लीन कहा जाता है लेकिन वब के तौर पे जब झुकने को हम लीन कहते हैं छलांग लगाना लीप और चीता कैन लीप अप टू ट्वेंटी फीट कि एक चीता 20 फुट तक छलांग लगा सकता है सीखना लर्न यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं छोड़ना लीव लीव में मुझे छोड़ दो नापसंदी से देखना लियर कर्ज देने को कहते हैं लैंड प्लीज लैंड मी सम मनी। के मुझे थोड़े से पैसे कर्ज दे हैं। दे। इजाजत देना लेट चाटना लेक। झूठ बोलना लाए लेटना ना लाए किसी चीज को उठाने को कहते हैं लिफ्ट लिफ्ट इट अप इसको ऊपर उठाओ रोशनी देना या रोशनी करने को कहेंगे लाइट प्लीज लाइट अप द रूम के कमरे में रोशनी करते हैं। और इसको लिट पड़ा जाता है आमतौर पे। पसंद करने को कहेंगे लाइक आई लाइक यू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लंगड़ाने को कि एक ट्रांग से लंगड़ा लंगड़ा के चलने को लिंप कहते हैं वाई आर यू लिंपिंग तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो सुनने को कहा जाता है लिसन जीना लेव या कहीं पे रहने को भी लिव कहा जाता है जिस आई लिव इन दिस अपार्टमेंट मैं इस फ्लैट में रहता हूँ देखने को कहते हैं लुक खोना लूज प्यार करना लव ही लव्स यू वो आपसे प्यार करता है बड़ा करने को कहते हैं मैग्नीफाई जिस तरह कोई हम लैपटॉप पे कोई चीज़ देख रहे हैं मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हैं और मैं कहता हूँ इसको मैग्नीफाई करो थोड़ा सा इसको बड़ा करो और ये बेसिकली मैग्नीफाइन ग्लास इसी से निकला है बरकरार रखना मेंटेन बनाने को कहते हैं मेक इंतजाम करना मैनेज चलना मार्च निशान लगाना मार्क शादी करने को कहेंगे मैरी विल यू मैरी मी मे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी कद्दूकश करने को कहते मैश मैश करना मैश द पटेटोज यानी के आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकश कर दें उनको छोटा छोटा वो कर दें मिलाना मैच अहम होने को कहते हैं मैटर यू मैटर या वाई डज इट मैटर इस ये इतम इतना अहम क्यों है ये मैटर क्यों करता है मतलब होना मीन यू आर सो मीन तुम कितने मतलबी हो पैमाइश करना मेजर और इसको मैयर भी पढ़ा जाता है दोनों प्रोनसीशन ठीक है मिलने को कहेंगे मीट पिघलना मेल्ट जम होना किसी चीज में मर्ज हो जाना मिल जाना उसको मर्ज करना कहते हैं जिसमें आप दो कलर्स को मर्ज कर दें आपस में मिला दें हिजरत करने को कहते हैं माइग्रेट इसी से माइग्रेशन निकला है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। कहीं पे पानी की कमी हो गई तो लोगों ने माइग्रेशन कर ली पीपल माइग्रेटेड दूध निकालने को मिल्क कहा जाता है ही इज मिल्किंग द काव वो भैंस से दूध निकाल रहा है तो देने को कहते हैं माइंड माइंड your ओन बिजनेस अपने बिजनेस पे तो कोई एम आके आपके कामों में टांग आ रहा हो तो आप उसे कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस गुमराह करने को हम कहते हैं मिसलीड ही मिसलेड मी उसने मुझे गुमराह किया था याद करने को कहते हैं मिस आई मिस यू गलती करना मिस्टेक इट वॉज़ माई मिस्टेक आई मेड अ मिस्टेक आई वॉज मिस्टेकन वो के तौर पे आई वॉज़ मिस्टेकन गलत इस्तेमाल करने को कहेंगे मिस यूज़ यूज़ करना इस्तेमाल करना मिस यूज़ करना गलत इस्तेमाल करना अब्यूज करना यानी कि किसी को या तो गाली देना या बहुत ही बुरी तरह से इस्तेमाल करना आपस में मिलाने को कहते हैं मिक्स मिक्स इट इसको आपस में मिक्स करो जिस अंडे और दूध को मिक्स करो करहाने को कहते हैं मोन, मोन करना तरमीम करने को कहेंगे मॉडिफाई करना प्लीज़ मॉडिफाई दिस ट्यूटोरियल, इस इस ट्यूटोरियल में तरमीम करें चेंज करें जो मैंने कहा है उस तरह इसमें म्यूजिक डालो या कुछ भी करो हौसला अफजाई करने को कहेंगे मोटिवेट शक्ल देना या ढालना किसी चीज़ को किसी चीज़ में ढालना मोल्ड करना जिस तरह आप किसी बर्तन में मट्टी डालते हैं और मट्टी मोल्ड हो जाती है उस बर्तन की शेप में पोजीशन तब्दील करने को कहेंगे मूव काटना मो जिसना घास को काटना मो ग्रास घास को काटो मो यूर लॉन अपने लॉन में घास को काटो तो मो का मतलब ही होता है कोई चीज मतलब घास वगैरह काटना जर्ब देना मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो जरब दो सरगोशी करने को कहेंगे मरमर वाई आर यू मरमरिंग आप सरगोशी क्यों कर रहे हैं और बेसिकली मरमरिंग जो है ना जैसा कोई बोले आपको उसकी बात समझना है तो उसको मरमरिंग कहते हैं कील ठोकने को कहेंगे नेल जैसा कहते हैं ना नेल द ईवल इन द बार्ड के शुरू में इवल को ठोक दो झपकी लगाने को कहते हैं नैप ही इज नैपिंग वो थोड़ी देर के लिए सो रहा है दोपहर को तौर पे जो नैप लेते हैं थोड़ी देर के लिए सोते हैं उसको कहते हैं नैप किसी चीज की जरूरत होना नीड आई नीड laptop. मुझे नए लैपटॉप की जरूरत है नजरअंदाज करने को कहेंगे निगलेट. काटना द निप. निप इवल इन द बर्ड इवल को शुरू ही में काट दो हा मैं सर हिलाने को हम्म कहते हैं नोट नोट करने को कहेंगे नोट किसी चीज के नोटिस लेने को कहेंगे नोटिस मुतला करने को कहा जाता है नोटिफाई आराम देना या फिर परवरिश करने को कहते हैं नरेश तो देने को कहते हैं नर्स इसके अलावा दूध पिलाने को भी नर्स कहते हैं द मदर इज नर्सिंग इज बेबी माँ अपने बच्चे को दूध पिला है। इतात करने को कहेंगे उबे फर्ज होना होनाइज वाजिब करना वाजिब होना मुशाहिदा करने को कहेंगे ऑब्जर्व रुकावट डालने को कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्ट हासिल करना ऑप्टें ही ऑप्टेंड गुड मार्क्स इन मैट्रिक कि उसने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हासिल किए कब्जा करने को कहा जाएगा ऑक्युपाई वाक होना अकर पेशकश करने को कहते हैं ऑफर दे आर ऑफरिंग अ गुड पैकेज कोई मोबाइल कंपनी है वो एक अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है पेश कर रही है मुकाबल कुत से रोकने को कहते हैं ऑफसेट करना कोई आप पे हमला कर रहा है और आप उसे रोकते हैं उसे आप ऑफसेट करते हैं छोड़ देने को कहेंगे उमिट करना मिटा देना ऊंगने को कहते हैं ऊज खोलना ओपन ओपन द डोर दरवाजे को खोलो चालू होना जराही करना सर्जरी करने को कहेंगे ऑपरेट कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं पुलिस भी ऑपरेशंस करती है सर्जन भी करता है राय देने को कहते हैं ओपाइन जुम्म करना जबर करना को कहते हैं ऑप्रेस। किसी चीज को का इंतखा करने को चूज करने को कहते हैं ऑप्ट ऑप्टिन या फिर ऑप्ट आउट ऑप्टिन का मतलब है कि हाँ मैं इसका इंतखब करता हूँ ऑप्ट आउट होता है नहीं यार छोड़ दो ज्यादा मौसर करने को बेहतर बनाने को कहते हैं ऑप्टिमाइज लेट्स ऑप्टिमाइज दिस मशीन तरतीब देने को कहते हैं ऑर्डर या हुक्म देने को भी ऑर्डर कहा जाता है मुन्नम करने को कहेंगे ऑर्गेनाइज लेट्स ऑर्गेनाइज रैली चले एक रैली को ऑर्गेनाइज करते हैं शुरू होना ओरिजिनेट फराम करना आउटपुट एक होता है मशीन की इनपुट कि उसमें आप क्या डाल रहे हो पेट्रोल डाल रहे हो और वो क्या आउटपुट दे रही है बाहर बहने को कहेंगे ओवरफ्लो आगे निकलना ओवरटेक लेट्स ओवरटेक दैट कार चलो गाड़ी से आगे निकलते हैं मक्रूज होना ओ आई ओ यू हंड्रेड रुपीज मैंने आपको सौ रुपए देने हैं मैं आपका सौ रुपए का मक्रूज हूँ मालिक होना ओन आई ऑन दिस कार मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ गुस्से को खत्म करने को कहेंगे पैसेफाई पुरसकून होने को पैसिफाई रंग करना पेंट लेट्स पेंट दिस हाउस चलो इस गाड़ी घर को पेंट करते हैं रंग करते हैं माफी देना पार्डन, माफ करने को पार्डन। अलग करना अलग होने को कहेंगे पार्ट हिस्सा लेने को पार्टे किसी चीज में हिस्सा लेना हिस्सा लेने को पार्टिसिपेट भी कहते हैं आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले मैं एक ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूं गुजारना पास गुजरना चिपकाने को चस्पा करने को कहेंगे पेस्ट नाउ पेस्ट इट ऑन अ पेपर अब इसको पेपर पर चिप चिपका दें थप थपाने को कहते हैं पैट गुड़ यार अच्छा काम किया और आपको कोई थपथपाए पैवन लगाने को कहते हैं पैच जिसा कपड़े फट गए हैं तो उसके अंदर आप उसको कोई और कपड़े का पैवन लगा दें तो उसको पैच कहेंगे थोड़ी देर के लिए रोकने को कहते हैं पॉज जिसा मैं कहता हूँ यार नाउ पॉज दिस वीडियो एंड रिपीट इट रिपीट द होल लेसन की अब इस वीडियो को पॉज करें और पूरे सबक को फिर से रिपीट करें तनख्वाह देने को कोई चीज अदा करने को कहते हैं पे झांकने को कहते हैं पीप और उसी से पीपिंग टॉम निकले जो ऐसी दूसरों की तरफ झांकता रहता है दूसरों के घर में घरों में खत्म हो जाने को कहते हैं पेरिश कोई चीज हलाक हो गई बिल्कुल ही खत्म हो गई जिसमें कोई एक नेशन थी पुराने जमाने में और हमने कहा कि यार वो पेरिश हो गई सैलाब की वजह से तो उस वक्त हम पेरिश का वर्ड यूज करेंगे इजाजत देने को कहते हैं परमिट। किसी को किसी चीज के लिए काम करने के लिए कायल करने को राजी करने के लिए उसको कहते हैं परसुएड वाई आर यू परसुएडिंग मी टू टू गो देयर आप मुझे क्यों कायल कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँ फ़ोन करने को कहेंगे फ़ोन रखने को कहते हैं प्लेस प्लेस वैसे जगह को भी कहा जाता है लेकिन वर्ब के तौर पे किसी चीज़ को कहीं पे प्लेस करें किसी रखें तो इसको कहेंगे प्लेस करना जिसका मैं कहता तो, हूँ प्लेस योर मोबाइल फोन ऑन द टेबल कि अपने मोबाइल फोन को टेबल पर रख दो मंसूबा बनाने को कहते हैं प्ला प्लान खेलना प्ले. लेट्स प्ले चलो खेलते हैं इज्जत करने को कहेंगे प्लीड प्लीज का मीनिंग होता है वैसे तो हम कहते हैं कि प्लीज डू इट ब्राय करम ब्राय मेहरबानी कृपया करके लेकिन खुश होने के भी कहते हैं प्लीज आई एम प्लीज टू सी यू आपको देखकर मैं खुश हूँ और इसी से निकला है प्लेजर प्लेजर इज ऑल माइन ये ये सब खुशी मेरे लिए है कोई कहे आपको कहे ना नाइस टू मीट यू से आप कहते हैं प्लेजर इज ऑल माइंड बारी कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलने को कहते हैं खुफिया तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए बंदी को कहते हैं प्लॉट दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान बना रहे हैं फूल तोड़ने को कहेंगे प्लक यानी काटने को फूल को गुलाब के फूल को प्लक द रोजेज के गुलाब के फूलों को काट दो तो। आले के साथ काम करने को कहते हैं प्लाय इशारा करना पॉइंट आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स that बिल्डिंग मैं उस बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा हूँ पॉलिश करने को, पॉलिश कहेंगे जिसम आई एम पॉलिशिंग माय बूट्स के मैं अपने शूज़ों को जूतों को पॉलिश कर रहा हूँ गंदा करने को पलूट कहते हैं जिसका दिस फैक्ट्री इज पल्यूटिंग द रिवर ये फैक्ट्री पानी रिवर दरिया के पानी को गंदा कर रही है पलूट रही है उसके अंदर केमिकल्स वगैरह फेंक रही है तो उसको कहेंगे पलूट इसी से निकला है पोल्यूशन, आलूद की गौर करने को कहते हैं पॉन्डर। पॉइंट टू द पौर डालने को जैसा एक पानी में कहता हूँ इसमें जग में डाल दो उसे कहेंगे पोर पोर द वाटर इन द ग्लास ग्लास में पानी डाल दो ओंटों को गोल करने को कहते हैं पाउट जैसा गोल गोल मुंह करके लोग सेल्फियाँ लेते हैं उसी से निकले पाउटिंग मश्क करने को कहते हैं प्रैक्टिस यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश आपको इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए मशक़ करनी चाहिए तारीफ करने को प्रेज कहा जाता है प्रेज ही इज ऑलवेज प्रेजिंग यू वो आपको आपकी हमेशा तारीफ़ कर रहा होता है दुआ करने को नमाज पढ़ने को कहते हैं प्रे तब्लीग करने को प्रीच, पसंद करना या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देने को प्रेफर कहते हैं आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी मैं कॉफ़ी के ऊपर चाय को तरजीह देता हूँ यानी कि उसे ज़्यादा पसंद करता हूँ चाय पीना तैयार करने को कहते हैं प्रिपेयर नुकसान देना या कोई चीज तजवीज़ करने को प्रेस्क्राइब करना कहते हैं जिस डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसन्स हु प्रिस्क्राइब यू दीज मेडिसन्स आपको ये मेडिसन किसने तजवीज़ की थी ये दवाइयाँ आपको किसने तजवीज़ की थी हाजिर करना हाजिर होने को कहेंगे प्रेजेंट महफूज करना प्रिजर्व वी नीड टू प्रिजर्व दिस बिल्डिंग हमें इस बिल्डिंग को महफूज करने की जरूरत है इस्तेमाल के पहले से सेट करने को कहते हैं प्री सेट सदारत करना प्रिजाइड ही इज प्रिजाइडिंग ओवर आ मीटिंग वो एक मीटिंग की सदारत कर रहा है दबाने को कहेंगे प्रेस प्रेस इट इसको दबाएं प्रेस दिस बटन इस बटन को दबाओ बहाना करना दिखावा करने को कहते हैं प्रिटेंट ही प्रिटेंट्स टू तो बी अ गुड मैन वो अच्छा आदमी होने का दावा दिखावा करता है असल में नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए करता है प्रिटेंट करता है रोकने को कहते हैं प्रिवेंट कोई चीज प्रिंट करने को प्रिंट आगे बढ़ना प्रोसीड प्रोसीड टू तो पेज नंबर फिफ्टी सिक्स तो अब आगे जाओ सफा नंबर छप्पन पर पैदा करने को कहेंगे प्रोड्यूस तरक्की करने को पेशरफत करने को कहते हैं प्रोग्रेस मना करना प्रोहिबिटा ममनु है जिसका सिगरेट नोशी ममनु है वादा करना प्रॉमिस प्रॉमिस मी डेट यू विल नेवर लीव मी मुझसे वादा करो कि तुम तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे तजवीज देना कहते हैं प्रपोज प्रपोज़ करना आई प्रपोज डैट वी शुड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं इस तरह आपको नई नई नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी जैसे जैसे वीडियोज अपलोड होंगी आपका कोई क्वेश्चन है कोई कॉमेंट है तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मैं हूं आई फैक्टनर मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में केयर, कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्टनर